तो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशा करते हो कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि देख सकते हो स्प्लेंडर है, हीरो होंडा स्प्लेंडर जो कि मेरा ही है, मैं खुद चलाता हूँ इस गाड़ी को और कोई भी परेशानी नहीं हुआ, मैं काफ़ी दूर दूर तक इस गाड़ी को लेकर गया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अचानक गाड़ी चलते चलते मतलब दो दिन पहले ही चलते चलते क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब जैसे कि रिजर्व में होने के बाद जो मिसिंग करता है वो मिसिंग करके ये गाड़ी बंद हो चुका है। तो फिर मैंने पेट्रोल को चेक किया, पेट्रोल आ रहा है कि नहीं। जब देखा कि पेट्रोल तो बाकी में सही है, क्योंकि मेरे को भी पता था पेट्रोल मैंने भरवाया था इस गाड़ी में। तो फिर क्या हुआ, जो गाड़ी मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया, फिर कुछ देर चल के मतलब फिर दोबारा बंद हो गया, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्यों मैं काम से जा रहा था कहीं पर, तो मेरे को मतलब फंसा दिया ये गाड़ी। तो फ्रेंड्स जब मैं चेक कर रहा था जो पेट्रोल है, पेट्रोल बाकी में बढ़िया से आ रहा था, जब इस करंट को चेक किया क्या हो रहा है, कई बार आ रहा है कई बार नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स जो साइड पैनल होता है, साइड पैनल को मैंने खोला, खोल के जो CDI वगैरह होता है इसको दोबारा सॉकेट को लगाया बढ़िया से, ठीक है, फिर भी काम नहीं बना। तो हमने क्या किया, परेशान होके लेकर आ गया गाड़ी को गैरेज पे, ठीक है, गैरेज पे लेकर आ गए। तो थोड़ा सा परेशानी हुआ, मेरे को फंसा दिया इस गाड़ी को पहली बारी, तो ऐसा कई बार भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो प्रॉब्लम जो हो रहा है किस जगह से हो रहा है, अगर आपके साथ भी हो सकता है तो किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है क्या हो रहा है, जो स्पार्क हो रहा है, स्पार्क बढ़िया से नहीं हो रहा है, जो कि मैं दिखा देने वाला हूँ। और जो CDI है, CDI को भी मैंने दुकान पे आके कहीं और दूसरा CDI लगा के भी देखा, CDI सही है, CDI ख़राब नहीं है, मतलब रनिंग गाड़ी का CDI खोल के लगा के चेक किया तो CDI ख़राब कर नहीं है, मतलब CDI का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और इस जगह से भी मैंने चेक किया, जो ये लाल ब्लैक वायर है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने बॉडी पे टच किया, बढ़िया से फ्लश हो रहा है। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं, चलिए क्या करते हैं, एक बार आप लोगों को भी दिखा दूँ किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है और फ्लश बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा करंट का समस्या होता है तो क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो जैसे कि देख सकते हो तार का टुकड़ा लेके मैंने घुसाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, चारों में घुसाना है, जैसे कि इसमें भी घुसा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को भी डालना है। तो फिर क्या होता है, जो सॉकेट होता है सॉकेट थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो लूज़ कॉन्टैक्ट होने की कोई भी चांस नहीं रहता। चलिए क्या करते हैं, हम इस जगह से भी सब कुछ देख लिया, इसको हम टाइट करके लगाएंगे, इसी CDI को लगाएंगे और टैंक वगैरह खोलेंगे, पहले आप लोगों को मैं करंट एक बार चेक करवा दूँ। चलिए तो फ्रेंड्स मतलब जब मैं क्या किया, जो स्पार्क प्लग है उसको लगा के जब मैं स्टार्ट किया इस तरीके से, एक बार तो मतलब स्टार्ट हुआ था, होने के बाद दोबारा स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, अभी जैसे कि हो चुका है, अब देखिए फ्रेंड्स बंद हो जाएगा किस तरीके से, ये देखिए बंद हो गया। मतलब क्या हो रहा है, ये जो गाड़ी है मतलब जो स्पार्क है वो प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ठीक है जो स्पार्क हो रहा है काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमको देखना है पिकअप कॉइल को, देखना है और जो वहाँ से पावर कॉइल होता है उन दोनों को देखना है, मतलब इग्निशन कॉइल को देखना है और पिकअप कॉइल को देखना है, इधर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे कि मतलब जो जब मैं किक मार रहा हूँ कहीं बार तेज से करंट आ रहा है, कहीं बार धीरे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को मैं दिखा दूँ बढ़िया से। फ्रेंड्स देखिए हमने क्या किया, स्पार्क प्लग को खोल दिया, ठीक है, अब चलिए किक मार के देखते हैं जो स्पार्क हो रहा है होता है कि नहीं। देखिए देख सकते हो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और हमारा इग्निशन ऑन है, ठीक है, एक मतलब थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स, जो उसका ये इग्निशन कॉइल है इसको चेक करेंगे और पिकअप कॉल को चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि और इस जगह से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और क्या करेंगे एक बार, तो इग्निशन कॉइल है इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको मैं चेक कर लेता एक बार किस तरीके से चेक करना चाहिए, देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि देख लिया स्पार्क बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, और हमने तो CDI दूसरा गाड़ी का लगा के एक बार देख लिया था। तो ये जो ब्लैक में येलो का वायर है इसको हम खोल लेंगे, खोल के इसमें तार का टुकड़ा घुसा के फिर हम देखेंगे बॉडी में फ्लश करके बाकी में होता है या नहीं। चलिए इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे फ्लश करके देखिए फ्रेंड्स, अरे वाह यहाँ से फ्लश हो रहा है काफ़ी बढ़िया से, देखिए फ्रेंड्स अस्त अस्त मारो। तो पावर कॉइल है, इग्निशन कॉइल ये है प्रो मॉडल का, ठीक है, स्प्लेंडर प्रो, प्रेशन प्रो, हंक, ठीक है, ये सब गाड़ी में लगता है। और हमने क्या किया, इस पे लगा के चेक करने के लिए रखा हुआ है, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है। तो चलिए आप एक बार चेक कर लेते हो, इसमें ये फिट नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें ये फिट नहीं आएगा। चलिए स्पार्क बढ़िया से हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं,
ठीक है, आवाज़ भी आ रहा होगा। चलिए इसको लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड शायद यही ख़राब हो गया था, पता नहीं ये चलते चलते किस तरीके से ख़राब हो गया। तो ये भी है जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होता है, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट तो हो जा रहा है वैसे। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम अभी भी है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो कि मैं चेक कर रहा हूँ, जब मतलब एक्सेलेरेटर दे रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, स्लो पे स्टार्ट हो रहा है। और जब देखिए, एक चीज़ मैं दिखा दूँ आप लोगों को, जो स्पार्क हो रहा है ना, बिल्कुल पास से स्पार्क हो रहा है, थोड़ा सा हम जब दूर ले जा रहे हैं बिल्कुल भी स्पार्क नहीं हो रहा है। तो अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब देख पा रहे हो फ्रेंड्स, देखिए। और थोड़ा सा दूर से स्पार्क करते हैं, दूर से मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो पिकअप कॉइल है उसको भी हम खोल के चेक करेंगे एक बार। पिकअप कॉइल भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दूर से जब स्पार्क नहीं हो रहा है और बिल्कुल नज़दीक जाके स्पार्क हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। चलिए मैग्नेट कवर को भी खोलते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो मैग्नेट कवर है उसको खोल लिया, और जो पिकअप कॉइल है, ठीक है, उसको चेक कर रहा हूँ जो कि मल्टीमीटर से, जो कि ये वाइट में ब्लू पट्टी जो है, जो ये वायर है, ठीक है, ब्लू में वाइट पट्टी जो है, ये इसमें रीडिंग आ रहा है फ्रेंड्स 130 ऊपर के रीडिंग आ रहा है, 131 के रीडिंग आ रहा है। तो पिकअप कॉइल भी जैसे कि सही है। और हमने क्या किया, जो पुराना वाला इग्निशन कॉइल है उसको भी लगा के देख रहा हूँ। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, नज़दीक से स्पार्क बढ़िया से हो रहा है और दूर से नहीं हो रहा। तो जैसे कि अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, स्टार्ट होके रह जा रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, जब भी हम पिकअप दे रहे हैं तो गाड़ी जो है बंद हो जा रहा है। अभी तो मतलब सही है, इस तरीके से चल रहा है आइडियल कंडीशन में, जब भी हम पिकअप दे रहे हैं तो बंद हो जा रहा है गाड़ी। तो चलिए हम क्या करेंगे, जो ये स्टार्टिंग कॉइल है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि नया लेकर आया हमने स्टार्टिंग कॉइल, इसको चेंज करेंगे। और ये है स्विस कंपनी का, ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करके पहले देखते हैं। तो क्या हो रहा है, आइडियल कंडीशन में मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट होकर रह रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। चलिए इसको पहले चेंज कर देते, उसके बाद इसको भी हम देखेंगे। इसको तो चेंज कर देंगे, दोनों को चेंज कर देंगे, ये दोनों को। तो पहले इसको चेंज करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग कॉइल है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, जैसे कि ये है पुराना वाला, तो हमने नया लगाया स्विच का। चलिए आप क्या करते हैं, देखते हैं स्टार्ट करके, मतलब जो करंट छोड़ रहा था, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं बाकी में सही हुआ कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। वैसे हमने उसे फंसा के रखा है इसको, ठीक है, हमने फंसा के रखा हुआ, तो देख लेते बाकी में कम होना कि नहीं। तो करंट को एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो मतलब प्रॉब्लम है अभी तक पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो इग्निशन कॉइल था हमने उसको पुराना वाला लगाया, ठीक है, और टैंक भी लगा दिया, और स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब पिकअप भी ले रहा है, तो मतलब अभी भी प्रॉब्लम। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम अभी भी कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया, जो पेट्रोल भी डाला हुआ है, जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, जिस तरीके से उसी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए आप क्या करते हैं, पिकअप कॉइल को भी चेंज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग कॉइल भी चेंज कर दिया, और वैसे तो पहले स्पार्क प्लग CDI तो नया डाल के हमने देख ही लिया था, और जो इग्निशन कॉइल है उसको भी हमने नया डाल के देखा। अब चलिए इसको बस चेंज करना बाकी, इसको चेंज करके फाइनली देखते क्या होता है फ्रेंड्स। नया वाला आया और पुराना वाला हमने निकल लिया, पिकअप कॉइल का एक बार चेक कर लेते हैं, रीडिंग जो आता है वो कितना आता है देख लेते हैं। देख सकते हो ये जो लगा हुआ है कुछ इस तरीके से सही है, और इसका रीडिंग जैसे कि 132 के आसपास, मतलब 132 दिखा रहा है, जो कि पहले भी दिखा रहा था, देख सकते हैं। चलिए अब नया वाले को एक बार देख लेते हैं कितना दिखाता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये लगा हुआ है, देख सकते हो 185 के ऊपर जा रहा है, मतलब 185 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम नया वाले को लगाते हैं और इसको फेंक देते हैं। चलिए इसको लगा के देख लेते हैं क्या होता है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग कॉइल है उसको तो लगा दिया पहले ही, और जो पिकअप कॉइल है इसको अभी लगाया, और इसका रीडिंग भी आप लोगों ने देख लिया था। और जो अभी डिज़ाइन है, मतलब इसका डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। ये है स्विच का और ये है जेन्युइन, मतलब गाड़ी का, ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, पर कोई नहीं ये फिट हो जाता है। देख सकते हो ये जो मैग्नेट है ये गोल सा है, देखिए फ्रेंड्स, और ये जो है मतलब फ्लैट सा है, जैसे कि देख सकते हो ये भी थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। चलिए फाइनली इसको लगाते हैं इस तरीके से। तो गाइस फाइनली ये जो गाड़ी है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और कैसे सॉल्व हुआ, मतलब हमने क्या किया, पिकअप कॉइल भी चेंज किया और स्टार्टिंग कॉइल भी चेंज कर दिया, फिर भी मतलब स्टार्ट मतलब हो रहा था, तो क्या हो रहा था, स्टार्ट होते होते चलते चलते अचानक बंद हो जा रहा था, उसके बाद भी मतलब पूरी तरीके से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, सारा दिन इसमें लगा रहा इस गाड़ी में, तो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर मैंने क्या किया, छोड़ दिया था। आज सुबह आके फिर मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो किस तरीके से हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि इसका जो इग्निशन स्विच है उसको हमने सिर्फ खोला, खोलने के बाद मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। चलिए एक बार मैं दिखा दूँ फ्रेंड्स। तो देखिए जो इग्निशन स्विच है यहीं से प्रॉब्लम हो रहा था, और देखिए कितना डस्ट आ गया यहाँ पर। और तो मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि इग्निशन स्विच से प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, तो काफ़ी परेशान किया ये जो गाड़ी है। तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और जिसका करंट का जो करंट आता है जिस तरीके से, वो अभी काफ़ी तेज से आ रहा है। चलिए एक बार मैं दिखा दूँ फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स जो इसका करंट है काफ़ी तेज़ी से अभी आ रहा है। चलिए एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा दूँ, काफ़ी बढ़िया से स्टार्ट भी हो रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम था बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल समझने वाला मुश्किल था, ठीक है, जैसे कि समझना मुश्किल था, पर प्रॉब्लम जो था छोटा सा ही था, देख लीजिए। तो अभी काफ़ी बढ़िया से मतलब काम हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहीं से हो रहा था, तो उतना ध्यान नहीं दिया। चलिए गाड़ी को बंद कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स मतलब फाइनली जो गाड़ी है रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, और हमने दो दिन इसको चलाया, ठीक है। दो दिन चलाने के बाद ही मतलब बिल्कुल स्मूथ हो गया, पहले से भी काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। मतलब अच्छा किस तरीके से, पहले क्या होता था कई बार मतलब सुबह से स्टार्ट करने में दिक्कत होता था, दिक्कत मतलब जो एक बार में स्टार्ट नहीं होता था, दो तीन बार मार के फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर देना पड़ता था, तो वो वाला प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और हमने क्या किया, लॉक किट ही पूरा चेंज कर दिया, जैसे कि देख सकते हो फेरॉक का हमने लगाया, ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली कम हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो तो ज़्यादा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।